मॉर्निंग दोस्तों, सुहास पेट होम इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। हम सब आए हैं यहाँ पे गंगाराम भाव के लॉफ्ट पे। इनका यहाँ पे लॉफ्ट है रायवाड़ी में और लातूर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आता है। और इनके पास बहुत ही अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी के कबूतर है। ये देखिए दोस्तों, ये गंगाराम भाव है। हेलो गंगाराम भाव, नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ इमरान भाई भी आए है। ये देखिए दोस्तों, ये इमरान भाई। हेलो इमरान भाई। और ये देखिए दोस्तों, ये शफीक भाई है। हेलो शफीक भाई। गंगाराम के गुरु, गंगाराम भाऊ के इनो गुरु है ऐसा इनका कहना है, क्योंकि बहुत सालों से गंगाराम भाऊ को इनो कबूतर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनको अच्छी तरीके से गाइडेंस भी करते हैं। इस वजह से गंगाराम भाऊ ने शफीक भाई को गुरु बनाया है। और हमारे साथ और भी एक मेहमान है, बिट्टू भाई। हेलो बिट्टू भाई। ये देखिए दोस्तों, ये भी अच्छे कबूतर शौकीन है। तो हम सब आए थे गंगाराम भाऊ के यहाँ गंगाराम भाऊ के कबूतरों का शौक करने के लिए। तो गंगाराम भाऊ के हाथ में एक बहुत ही बढ़िया कबूतर है, इन्हों दिखा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा कबूतर है और क्या है इसमें खासियत? ये डब वाला है। टूर्नामेंट में 6 बजे उड़ा था, रात के 6:40 में ये उतरा है। वाह 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 वाह। टूर्नामेंट में इसका नंबर बैठा है। देखो इसकी क्वालिटी, हे कबूतर डब वाला है। तर हेना सकाळी 6 उडलं होतं, तर संध्याकाळी 6:40 उतरलेला आहे। तर सदर बक्षीस ह्या नरानं मारलेला आहे, डब वाला आहे। बच्चा लिया था मैंने पटेल के पास से, भोई तरीन बच्चा उड़ाई। तो देखिए दोस्तों, ये शफीक भाई पटेल के डब वाली ब्लड लाइन के ये कबूतर है जो गंगाराम भाव ने सुबह 6 बजे उड़ाया था और शाम 6:40 पे उतरा है। और ये लातूर का सबसे ज्यादा उड़ने वाला कबूतर उस टाइम पे था। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये कबूतर उड़े वाला है। 12:40 इसका रिकॉर्डेड टाइम है लातूर के टूर्नामेंट में। और पर्चे पे गंगाराम भाव के इस डब वाले कबूतर का नाम भी है और टाइम भी है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कबूतरों को ट्रेन किए थे, जिसका इनके लॉट पे बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिजल्ट आया। तो गंगाराम भाऊ ने आज स्पेशली हमें इसलिए बुलाया है कि इनके कुछ कबूतर सेल करने का है। तो मैं आपको इनके सभी कबूतरों का शौक कराता हूँ। और कुछ कहना है गंगाराम भाऊ? नहीं नहीं, सब हमारे जो कबूतर है सबसे बेहतरीन उड़ने वाले है। जिसको लेने का है आपके पास नंबर मेरा ये करो। हाँ, वीडियो में और टाइटल में आपका नंबर रहेगा। हाँ, हमारे गुरु तो पटेल है, सब ब्रीड यहाँ से लिए हुए। आगे की बात पटेल साहब करेंगे। हाँ, आगे की बात पटेल साहब करेंगे। वो बोला क्या? बोलो कि दूसरा नरस दिया ना। शफीक भाई तो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आज करते क्या नहीं देखते। ये कबूतर है टूर्नामेंट में उड़े वाला। हाँ, ये 1:30 बैठा था। ये क्या? तो दोस्तों, इसका और इनका दो कबूतरों का मैं आपको स्पेशली शौक कराऊंगा इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दो आंख दिखा। ये रात तो जरी फेंक लेते पैक होते ये क्वालिटी भी नहीं आता। ओहो, पुनः पशी मारे खाएगी तुमच्या पशीत राहिले आता तेवढं, बाकी ह्याच्या पशीत नाही रंग। हां हां, म्हणलो ना ही जी पूर्ण डोळ्याचं डबोल्यामध्ये बघा, लाल डोरे आले समजा ती स्टार्टिंग मध्ये असाल। 6 वर्षाचा नर आहे। ये देखे दोस्तों, इमरान भाई यहाँ पे खड़े है कबूतरों का शौक करने के लिए आए है स्पेशली यहाँ पे गंगाराम भाई के लॉफ्ट पे। देखिए दोस्तों, ये गंगाराम भाई का लॉफ्ट और ये इनके कबूतर, बहुत ही अच्छा और बढ़िया सेटअप है। और स्पेशली इनके गुरु शफीक भाई होने की वजह से शफीक भाई हमेशा इनको गाइडेंस करते हैं कि कबूतर कैसे रखने का है और कबूतरों की निगाह कैसे रखने का है। देखिए दोस्तों, ये इनके कबूतर, ये सेलेटी दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कबूतर। और ये देखिए दोस्तों, और एक इसके साथ एक कबूतर है। शाम का वक्त है, इस वजह से कबूतरों की क्लियरिटी अच्छी तरीके से नहीं आ रही। फिर भी आप देखिए दोस्तों, कबूतर अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, इधर एक कबूतर आया, बहुत ही खूबसूरत
और अच्छा कबूतर ये, इसको यहाँ पे स्पेशली मसूरी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे और एक कबूतर है, देखिए दोस्तों ये कबरा, इसको काले जाग भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पाक सब्जा नर, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा। ये नीचे का चीना तिलंका और ऊपर का गलसरा नर है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए दोस्तों, एक से बढ़कर एक कबूतरों का यहाँ पे कलेक्शन है, जो गंगाराम भाऊ ने स्पेशली ये सभी के सभी कबूतर सेल के लिए निकाले हैं, क्योंकि पर्सनली इनको अभी कबूतरों को देने के लिए टाइम नहीं है। यू नो शिफ्ट होने वाले हैं बम्बई को, इस वजह से इन्हों ये सब कबूतर सेल के लिए निकाल रहे हैं, और वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट में। देखिए दोस्तों, ये और एक कबूतर बहुत ही खूबसूरत, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये शायद इलाहाबादी पीछे के दो कबूतर है, और ये देखिए दोस्तों ये भी हाई फ्लायर, और ये पिलंग की मादी, और इधर एक पेड़ है बहुत ही अच्छा। एक से बढ़कर एक कबूतर इनके पास है, और ये सभी कबूतर सेल करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अलग कबूतर चाहिए तो आप गंगाराम भाऊ से बात कर सकते हो कि ये कबूतर चाहिए बोल के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ कबूतर है बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कबूतर है। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर कबूतर आए, और गंगाराम भाऊ लास्ट में है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इन्होंने कबूतर, ये सब कबूतर सेल के लिए निकाले हैं, क्योंकि इनको मुंबई में शिफ्ट होने का है इस वजह से। ये देखिए दोस्तों, ये कबूतर इनके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के कबूतर है, स्पेशली देसी, इलाहाबादी और बॉर्डर वाले सभी कबूतरों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। गंगाराम भाऊ, आपके पास कौन कौन से कबूतर है? नसल डब वाले है, डब वाले, और ये डब वाले, बॉर्डर वाले, देसी और इलाहाबादी सभी कबूतर इनके पास है। देखिए दोस्तों, कबूतरों का शौक करो, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतरों का कलेक्शन है। हाँ, देवबंदी, ये देवबंदी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देवबंदी भी है, बहुत ज़बरदस्त। चलिए दोस्तों, इधर के सेक्शन में चलते हैं। ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कबूतर। देखिए दोस्तों, ओहो, बहुत ही खूबसूरत कबूतर ये। देखिए दोस्तों, ये कलसरा कबूतर, और ये देखिए दोस्तों, ये कोयल है, काले जाग भी बोलते हैं इसको, और इसकी पूंछ सफ़ेद है। देखिए दोस्तों, ये गजरे कबूतर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, कबूतर अंदर के लॉफ्ट में है, बहुत ही अच्छी तरीके से रुके वाले हैं, अपने अपने बैठक पे, अपने अपनी जगह पे, कल्लू में, इलाहाबादी। देखिए दोस्तों, सब कबूतरों का कलेक्शन यहाँ पे, और ये सभी का सभी लॉफ्ट सेल करने का है दोस्तों। लॉफ्ट बोले तो लॉफ्ट के जो अंदर कबूतर है, ये सभी के सभी सेल करने का है। देखिए दोस्तों, ये भी कलसरा कबूतर, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए दोस्तों, ये एक इधर कबूतर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको मैं स्पेशली केज में कबूतरों का शौक नहीं करा सकता। देखिए दोस्तों, क्योंकि इन कबूतरों को इतनी क्वांटिटी में कबूतर है कि इनको हाथ में पकड़ के अगर केज में दिखाए तो बहुत जल्दी शाम होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4:30-5 बजे है। देखिए दोस्तों, अभी हल्की सी धूप निकली है, इस वजह से कबूतर देखने में आसानी हो रही है, लेकिन लॉफ्ट बहुत ज़बरदस्त बनाया गंगाराम भाऊ ने। ये देखिए दोस्तों, इधर पाक सब्जनर, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों,
बहुत ही अच्छा और बढ़िया सेटअप इन्होंने किया है स्पेशली कबूतर को बैठक के वास्ते। ये देखिए दोस्तों, ये तो चलिए दोस्तों इनका उड़ान सेक्शन देखते हैं। ये इनका कबूतर के लिए धूप जाल है नीचे का, और ऊपर का सेटअप देखिए दोस्तों, वाह 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 वाह, ये ऊपर का सेटअप ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बढ़िया। देखिए दोस्तों ऊपर भी बहुत ज़्यादा कबूतर बैठे वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ज़रा, क्लोज अप। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर इनके ऊपर का जो टावर है उसमें सब कबूतर गए वाले हैं। देखिए दोस्तों, ओहो हो, बहुत ही अच्छे कबूतर गंगाराम भाव के पास, और स्पेशली इन्हों कबूतर उड़ाते भी है, इस वजह से इन्होंने ऊपर का इतना अच्छा भी टावर का सेटअप किया है। सुबह से लेकर शाम शाम तक कबूतर इन्हों उड़ाए वाले हैं, और इनका टाइम रिकॉर्डेड है लातूर टूर्नामेंट के पर्चे पे। इनका नाम भी है और इनके कबूतरों का भी नाम है। जिसको भी अच्छे उड़ने वाले कबूतर चाहिए वो गंगाराम भाव से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों,